सारी चीजें अपने साथ ऐसी लेके चलते हैं कि झुकेंगे नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं होंगे वगैरह वगैरह. दैट्स व्हाई जेंट्स को हार्ट अटैक. जो जितना स्टबन होगा, जितने स्टबन होंगे ब्रेन एवरेज या हार्ट अटैक से बच नहीं सकता. खाने पीने की चीज से कोई नुकसान नहीं होता, प्रूव कर सकता हूँ इस बात. सब इमोशनल कॉज है, ये भी प्रूव कर सकता हूँ. एक चीज आप समझें, मेडिकल साइंस आज तक मुझे ये कैसी आपके चले ठीक है, हमें से किसी को कोई डिजीज तो नहीं है पहले से नहीं जान लें कोई मेजर. सो हमारी फैमिली में किसी को हो सकती है. बीपी और शुगर तो बड़ी कॉमन डिजीज है, बड़ी खुशी से हम बताते हैं कि मेरे को शुगर है. बड़ी कॉमन डिजीज है, घर में है. सो मेरा कहना यह है कि हम जिन डिजीज की बात कर रहे हैं तो क्या डिजीज जो है वो ऐसी आ जाती है, इमोशनल कॉज है उनके. बिना मैं प्रूव करूंगा अभी आपके सामने. और मेरा पर्पस यहां आने का वो प्रॉब्लम दिखाने का नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन देने आया. आगे चलते हैं फिर स्टेप बाय स्टेप आ गए. सो वी कैन टू इग्नोर अवॉइड इमोशंस एट ऑल लेवल्स. हम इमोशंस को अवॉइड करते हैं. सो जिसकी वजह से हमारे जो डिसकंफर्ट रहता है हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होता है, क्योंकि इमोशंस की लैंग्वेज को हम समझ नहीं पा रहे. So let us see the unresolved emotions issue. Yes, physical and mental health. Emotional cause physical things. जो भी emotional, अगर आपकी करियर में भी अगर रुकावट है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसमें भी emotional cause है. मैं यही प्रूव कर सकता हूं. Yes, it is very true. Thank you, sir. So आपके personal life में, आपके relationship में, आपके अफेयर्स में कहीं भी कोई चैलेंज, किसी भी तरह का प्रॉब्लम, देयर इज इमोशनल कॉज जो कन्वर्ट होता है डिजीज में. मेडिकल साइंस, मेडिकल के अंदर मुझे आप एक डिजीज ऐसी बता दो जो मेडिकल साइंस परमानेंट क्योर करता हो. जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेगी, आप खाते रहेंगे चलते रहेंगे. मेरे हर प्रोग्राम, हर वर्कशॉप जो मैं पैन इंडिया बेस पे या दिल्ली में जो करता हूं, डॉक्टर्स तक आते हैं. मेरे क्लाइंट्स में डॉक्टरों की कमी नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों को भी मालूम है कि सबकॉन्शियस माइंड पे कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी, वहां तो यही टेक्निक काम करेगी. सो लेट अस फेस द ट्रूथ. सुप्रीम पावर नेवर राइट्स नेगेटिव इन अवर माइंड. हमें से कितने लोग मैरिड हैं? हम सब जो मैरिड हैं, बच्चे भी हैं हमारे, हम में से कोई पेरेंट, कोई भी पेरेंट, या जो मैरिड नहीं है उनके भी पेरेंट्स, क्या कोई पेरेंट्स ही चाहेगा कि उसके बच्चे को? कभी नहीं चाहेगा. तो जो सुप्रीम पावर है, जो हम सबका पेरेंट है, वो हमारी लाइफ में नेगेटिव कैसे दे सकता है? कभी सोचा? जिसको हम पेरेंट मानते हैं, हम अलग अलग रिलीजन से हो सकते हैं, हम किसी भी रिलीजन के. कोई घर ऐसा नहीं है जब पूजा पाठ नहीं होता, सब जगह होती है. और मेरे ये एक्सपीरियंस है कि जहां जो जितना ज्यादा भज रहा है ना, वो उतना ज्यादा भाजा जा रहा है, यानी कि वो उतना दुखी है. जो भी रीजन, मैं किसी पर्टिकुलर पे नहीं जा रहा, बट ये एक एक्सपीरियंस की चीज है. हमने इन चीजों को स्टडी किया, रिसर्च किया. मतलब कुछ भी हो गया, भगवान चले कर दिया. भगवान ने अपना काम कर दिया बॉस. भगवान ने दुनिया में हमें भेज दिया, अपना काम करके भेजा है, हमें भेजा है. अब हम अपना रोल भूल रहे हैं. हमें से कोई बता सकता है कि कभी पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? कभी डिसाइड किया, सोचा? तो बता सकता है हमसे आपका पर्पस ऑफ लाइफ? अपना हमने कभी सोचा ही नहीं कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है यार, क्यों आए हैं इस दुनिया में? क्या यही है सुबह ऑफिस आएंगे, दिन भर शाम को फिर घर चले गए, सो गए, सुबह फिर आ गए, यही जिंदगी?
कुआ रहे हैं तो शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी बच्चे हो जाएंगे, घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, फिर एक रिटायर हो जाएंगे, इस पर बहुत जरूर आएंगे। नो लाइफ इतनी ज्यादा बिजी होती है, बिजी होने के लिए नेसेसिटी भी हम बना रहे हैं। क्या आज उनके बिना काम नहीं चलता? क्या आज मेरे का 5,000 के मोबाइल का ही काम नहीं चलेगा? मेरे को 50,000 का मोबाइल ही चाहिए। चलो मैं चलना तो सोसाइटी के साथ ही है। तू दिखावा सोसाइटी को दिखाना चाहते हो, इसलिए कर रहे हो? नहीं है, यही तो यही हमारी समझे इस बात को। एक से रोटी का प्रॉब्लम, एक दो रोटी स्टेटस सिंबल है, सेकंड लेवल ऑफ नीड्स। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जरूरत हमारी कम में हो सकती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, गैस कर सकता है अपने से कोई कि मेरे पास कौन सी गाड़ी है? चलिए मैं अपने से बात करता हूँ। और लेनो है मेरे पास, और अभी 2 साल पहले मैंने खरीदी, जानबूझ के खरीदी, क्योंकि उससे पहले सारी बड़ी गाड़ियां रखी है मैंने। फर्स्ट कार है जिसको छोटी कार, स्मॉलेस्ट कार बहुत पसंद आई। मैंने यार बड़ी गाड़ियां बहुत चला ली। डेबो मोटर्स की सीएलओ जो सबसे पहले आई थी, तब से बड़ी गाड़ियां चला रहा हूं। मोबाइल तब से यूज कर रहा हूँ जब 16 रुपए कॉल रेट होता था, इनकमिंग आपको इन दोनों तरफ से लगते, तब से यूज कर रहा हूँ। तो 2 साल पहले अचानक क्यों चेंज? मैंने कहा छोटी कार चलाएं, और 2 साल से मैं नैनो चला रहा हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस नैनो को मैं कितनी कितनी दूर लेकर गया हूँ, सर्च ऑफ करने जयपुर लुधियाना कई बार जा चुका हूँ अकेला। स्टेटस गैजेट हमारा स्टेटस बनाएंगे, टूल्स हमारा स्टेटस बनाएंगे, इसका मतलब मैं जीरो हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा पर्पज ऑफ लाइफ मिल चुका था, इसलिए मुझे लगता ही नहीं कि ये सब चीजें मेरा स्टेटस बनाएंगी। मेरा स्टेटस तो मैं हूं भाई। तो माय डियर, स्टेटस हमें बनाना है। जिस दिन आपने, जिस दिन, जिस पल, जिस घड़ी आपने अकेले बैठ के डिसाइड किया व्हाट इज द पर्पज ऑफ माय लाइफ, आपकी लाइफ में यूटर्न हो जाएगा। और मैं वायदा करता हूं आप जो चाहेंगे वही होगा। ये तो मैं समझ गई आपसे कि मतलब हाई फाई चीजें रखने से ही कोई स्टेटस नहीं मिलता, बट मेरे हिसाब से आज के टाइम पे हर इंसान इतना ज्यादा कंफ्यूज रहता है, हर चीज हम ना चीजें समझ ही नहीं पाते। एक्चुअल में कभी वही तो उसी के लिए तो मैं आया हूँ। बट कभी हम ये सोचते हैं, कभी वो सोचते हैं, एक होता ना कि माइंड की जो चंचलता होती है वो सोचने ही देती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये चीजें हमारे साथ हो रही है, इसीलिए तो मैं कॉर्पोरेट में एंट्री की। मैंने कहा यार ये चीजें छोटी छोटी चीजों की, हर आदमी सब प्रॉब्लम है, तो क्यों ना मेरी लाइफ चेंज हुई। मैंने और हजारों लोगों की लाइफ में चेंज देखा इस टेक्निक के थ्रू, तो क्यों ना मास तक पहुंचाया जाए। और सिर्फ एक दिन की वर्कशॉप, उसके बाद फॉलो तो आपने करना है, करना आपने है, मैं नहीं कर सकता। मैं कोई ज्योतिष पंडित ठीक है, मैं वो साइंसेस सारी जानता हूं, लेकिन मैं वो काम नहीं करूंगा। मैं तो चाबी आपको दे दूंगा, करो आप ना आए तो रिजल्ट मिलेगा, फिर रिजल्ट की गारंटी कह रहे नहीं है। आगे बढ़ते हैं पहले हम। सो दैट इज कवरी, देयर आर इमोशनल कॉज एंड अनरिजॉल्व्ड नेगेटिव इमोशंस टू बी प्रिसाइज बिहाइंड एवरी डिजीज एंड डिस्कम्फर्ट। अनरिजॉल्व्ड नेगेटिव इमोशन की बात कर रहा हूं। अनरिजॉल्व्ड नेगेटिव इमोशन कौन सी होती है? गेस कर सकते हैं? जैसे हमने किसी इंसान को माफ ना किया, पता नहीं किसी तरह का डर लेके बैठी, अहम भी होता है। ये है अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशन, और दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी थेरेपी नहीं है जो इन चीजों को खत्म कर दे। सिर्फ एक लोग अभी हिंदुस्तान में बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, सिखाने वाले बहुत कम है, लोग तो जानने लग गए हैं। ओनली वन थिंग, ईएफटी इंस्टेंट रिजल्ट दिखा सकता हूं, इंस्टेंट रिजल्ट।
लगभग 300 के करीब वीडियो में यूट्यूब पर मेरे, आप देख सकती हैं उसमें बहुत सारे आपको टेस्टिमोनियल्स, लोगों के रिजल्ट, एक्सपीरियंस, लोगों की लाइफ में चेंज कैसे कैसे आए। मैंने नहीं किया, अपने आप किया हूं। एंगर एक ऐसा कचरा है हमारे अंदर जो हम निकालेंगे। एक चीज है ना कि दूसरा कुछ नहीं है इंडिया में, हर जगह मतलब पंचायत के बोले तो कभी गुस्सा आ गया, सब लोग ड्राइव करते हैं, सब लोग ड्राइव करते हैं ना गुस्से, ऑलमोस्ट सभी लोग ड्राइव करते हैं कार, स्कूटर, बाइक, कुछ नहीं करते मतलब सबसे बढ़िया है तो नहीं करते। चलिए एक लाइव इंसिडेंट आपके सामने रख रहा हूँ जो आपके साथ होता होगा, जो लोग ड्राइव करते जो नहीं करते वो बहुत सुखी सो जो करते हैं उनके साथ है वो प्रॉब्लम, बट जेन्युइन प्रॉब्लम भी थी। मेरे साथ भी होता था, मैं सुबह 8 बजे तक घर से निकलता था और 2 बजे रात को घर पहुंचता था, तो दिन भर मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, पर अब नहीं होता। आपके साथ अभी फील होता है, क्या होता है, आप ड्राइव कर रहे हैं कार बाइक कुछ भी ड्राइव कर रहे हैं और आपके साथ अपनी मस्ती में आपको अपने ध्यान में फोन पे भी बात कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, पर आप अचानक क्या होता है आपके लेफ्ट से या राइट से दूसरी गाड़ी या कोई बाइकर जिगजैग करके निकलता है, ऐसे घबरा जाते हैं और बहुत कुछ फिर ब्रेक लग जाती है, बहुत सारे कमेंट्स बोलते हैं उसके ऊपर, गुस्से में भर जाते हैं एकदम, ये वो प्लान पता नहीं क्या क्या। सो कभी हमने सोचा कि उस वो जो इंसिडेंट होता है अक्सर होता रहता है हमारे साथ, वो जो था उसने सुना जो 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 गुस्सा हमने क्रिएट किया था अपने अंदर, उसका नुकसान किसे हुआ? मुझे हुआ, अगर मैंने किया तो मुझे ही हुआ, वो तो गया, उसने तो सुना ही नहीं। कई बार सुन भी लेते वो डिपेंड करता है, हमने निकाल दिया है, वही कह रहा हूँ, हमने निकाल दिया है उस सिचुएशन को अपने अंदर से, तो निकाल दिया पर उसने तो सुना नहीं, वो तो गया, लेकिन उसका नुकसान किसे हुआ? ठीक है, अब उसकी सिचुएशन को मैं चेंज कर रहा हूँ जो कि मेरे साथ हो चुकी है, दिखाऊंगा सर क्या। अब मैंने उस सिचुएशन को चेंज कर लिया, मैं ड्राइव करता हूँ, वो लोग तो अभी भी वैसे ही रहेंगे, वो तो नहीं बदलने वाले ना, उसी सिचुएशन में फिर आते हैं, पर अब मैं उन्हें देख के अरे यार कितना बढ़िया ड्राइवर है, कितनी बढ़िया गाड़ी चला रहा है, अब मैं उसी सिचुएशन को देख के गुस्सा नहीं करता, खुश होता हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई कि उस गुस्से का नुकसान मुझे हो रहा है, तो मैं ही होऊंगा जो होगा तेरे साथ होगा, मैं सुना तो अभी नहीं उसने। कहने का मतलब यह है कि कंट्रोल हमारे पास है,